इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री राम कथा जिस ग्रंथ के आश्रय में हम आप गान करेंगे, इनका नाम है श्री रामचरितमानस। मेरे राम जी के चरित्र का ये मानस सरोवर है। राष्ट्र कवि ने लिखा है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। कोई भी कविता कर सकता है। राम जी का चरित्र अथाह है, अपार है। राम जी युक्ति पूर्वक जीते हैं, मुक्ति पूर्वक रहते हैं। राम का आश्रय करके इस संसार में कुछ भी सात्विक राजसिक प्राप्त किया जा सकता है, तामसिक नहीं। मेरे राम का आश्रय दिव्य है, कोई भी कर ले पार। पूज्यपाद गोस्वामी जी तो कहते हैं नाम महिमा में, चौहूं जुग चौहूं श्रुति नाम प्रभावो, कली विशेषी नहीं आन उपाऊ, चौहूं जुग चौहूं श्रुति। सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग नाम महाराज की कृपा है। कलयुग में तो विशेष है, हरि नाम कलकाल में कुछ भी प्रदान कर देता है। श्री रामचरितमानस जी में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज सात कांड बनाए। कथा तो वही है, क्रम से चलती है। गोस्वामी जी ने सात कांड स्थान प्रधान बनाए, लेकिन इसमें एक कांड का नाम सुंदर कांड है। उसका अपना वैशिष्ट है, जब उसका अवसर आएगा तो हम उसका स्मरण आपके साथ करेंगे। एक कांड का नाम उत्तर कांड है, कारण जीवन के समस्त प्रश्नों का उत्तर जिस कांड में है उसका नाम है उत्तर कांड। हमको तो पता नहीं कि आप में किसके साथ क्या घट रहा है, लेकिन मानस को पता है कि किसके साथ क्या घटेगा। इसलिए जीवन के जितने प्रश्न हैं सबका उत्तर है मानस में। लोक परलोक यात्रा के संबंध में नहीं, व्यवहार यात्रा के संबंध में भी उत्तर है मानस में। जो भावे ध्यावे उपावे, ज्ञानी को ज्ञानोपासना, भक्त को भक्त्योपासना, मुक्त भाव रखने वाले को मुक्त्योपासना, जो जैसा जीना चाहे मानस उसका पथ प्रदर्शन करता है। हम आप जो जिस अध्याय का जिस मार्ग का पोषण करना चाहे, जहां जाना चाहे वो जाए। ये मानस सर है तो चार घाट हैं, ज्ञान घाट, भक्ति घाट, कर्मकांड घाट और शरणागति घाट।
बाल कांड में वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि से लेकर दहियंत्य नो मानवा उत्तर कांड के अंतिम श्लोक तक आबद्ध है पूरी कथा। परंतु पूज्यपाद गोस्वामी जी वंदना के श्लोक सोरठा वंदना के भाव का स्मरण करने के बाद जब चौपाई बांधते हैं तो सीधे सदगुरु उपासना करते हैं। क्या गाऊं? हाँ, कोई स्वर दो चौपाई का तो गाऊं। बंदहु गुरु पद पद्म परागा बंदहु गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस वंदना भाव क्या है? श्री चरण कमल में जो रज है वो कमल के पराग जितनी दिव्य है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में श्री चक्रवर्ती जी महाराज गुरु वशिष्ठ भगवान से उनके तप की और श्री चरण की महिमा कहते हुए ये कहे कि हे गुरुदेव भगवान, जय गुरु चरण रेणु सिर धरही ते जनु सकल विभव बस करही। महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, तो गुरु जी ने पूछा, राजन आप ये जो महिमा बखान कर रहे हैं इसका बोध आपको कब हुआ? देखिए, जो राजसत्ता पर रहता है ना, राजसत्ता पर रहकर गुरु सत्ता में निष्ठा हो
ये दुर्लभ संयोग है। राजा अपने अहम से उतरता नहीं है, परंतु चक्रवर्ती महाराज का जीवन अन्य है, और है, दिव्य है, वो परंपरा है। तो चक्रवर्ती जी ने कहा, मोहि समय अनुभय उन दूजे सब रज पावनी इनार। मेरे समान इसका अनुभव अन्य किसी को नहीं होगा। मेरे को जो मिला आपके श्री चरण रज की उपासना से मिला है। गुरु कृपा प्राप्त हो और उसकी हमको अनुभूति हो, इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। देखिए पांच शब्द है, क्यों बंदो श्री रामचरित मानस है तो जैसे श्लोक में वंदना किए, यन माया वसवर्त विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं यज्जौ यथा ब्रह्मा, कुछ और लिख देते, रामे जी की स्तुति लिखते नहीं। गोस्वामी जी यहीं से प्रारंभ हुए, कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। अब ये चौपाई आती है, बंदमु गुरु पद पदुम सुरुचि, सुरुचि माने रुचि वर्धक है, रुचि को सुंदर बनाने वाला है। सु शब्द हिंदी में बड़ा अद्भुत है, अ माने नहीं, सु माने सुंदर, सु माने सुमति संपन्न, सु माने सुदृढ़, सु माने विशेष। मधुर तो मधुर है, सुमधुर क्या, अतो अत्यंतिक सौंदर्य संपन्न मधुर है, ये सुमधुर है। गुरु चरण रज सुरुचि, रुचि को सुंदर बना देता है, यानी संसार में लगा जीव परमात्मा में रम जाता है। सुरुचि सुबास, आप में से जो लोग इतर लगाते होंगे, कई लोग जब कपड़ा पहनते हैं, मैं तो नहीं प्रयोग करता, मेरे ठाकुर जी करते हैं, तो इतर न लगावे तो उनको अंटस लगता है। अंटस तो समझते हैं ना, अंटस उलझन होती है, अरे कहाँ खो गया, कहीं रख दिया। कई लोग तो पूरा रैक सजा के रखते हैं, 10-20 एक साथ रखते हैं, आज ये पहनेंगे तो ये लगाएंगे, वो पहनेंगे तो वो लगाएंगे, ये क्या है, सुबास। गुरु चरण रज क्या है, अत जीवन में सुबास अनि सुगंध बिखेर देती है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुरुचि सुबास सरस सरस कहते हैं आनंदमय को। जब आप कभी गुजरात जाएंगे तो गुजरात में जो अभिवादन है ना, ये अपने यहाँ कहते हैं काहो का हाल है, बुंदेलखंड थोड़ा खड़ी बोली का प्रदेश है, हमारे मध्य भारत में यही बोलते हैं, काहो कैसे हैं। और जब आप पूरब की ओर जाएंगे तो कहेंगे का हाल चाल बा भैया, अरे बहुत अच्छा बा, ठीक बा। लेकिन जब गुजराती बोलेंगे तो वो ये सरस वहीं से उपस्थित है तो भोजपुरी का, केम छो सरस छे, सरस माने आनंदमय छे, कैसे हैं, आ तो आनंदमय है। ये गुरु चरण रज सुरुचि वर्धक, सुगंध भी खेरने वाली और आनंद प्रदान करने वाली, सरस किसमें, राम प्रेम में, भगवत प्रेम में,
भजन और प्रेम एक साथ। सरस अनुराग, ये सरस है माने मधुरिमा संपन्न है, आनंदमय है। स्वभाव कैसा? अमृतमय है। अमृतमय अर्थात अमृत जो पा लेता है वो अमरत्व को पा लेता है। अमरत्व में ये शरीर मरेगा नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर नहीं रहेगा तब भी वो जीव रहेगा, ये शक्ति ये क्षमता है। अमीय मूरीमय समन सकल भव रुज परिमा। अमृतमय है चरण रज, अमृतमय है। जिसके जीवन में आ जाए उसको अमृता प्रदान कर देता। मूरि माने जड़ी, अमृतमय जड़ी है। चूरन चारु, चारु मने सुस्वाद। चूरन कब लेते हैं? चूरन लेते हैं जब शरीर कुछ नासाद हो, तबीयत थोड़ी ढीली हो, थोड़ा चूरन दे दीजिए तो मैं दो रोटी तो दवाई लूंगा, चूरन भर दे दो। अरे भाई चूरन को काम तो करने दो। नहीं नहीं, आप चूरन लाइए और भोजन लाइए। चूरन संसार के लिए है, परंतु ये जो सद्गुरुदेव भगवान की चरण रज है, ये भगवत प्रेम में, भगवत भजन में, परमार्थ तत्व के बोध में ये हमारा स्वाद वर्धन कर देता है, करा देता है। अर्थात यह कृपा प्रसादी हमको भगवान में रुचि बढ़ा करके रमा देता है। और परिणाम समन, समन कहते हैं शांत होने को। मां देखिए दो शब्द हैं, एक दमन है और दूसरा समन है। ये जो तकिया है इसको दबाना ये दमन है, दबाया ना तो दमन है। और जब धीरे धीरे अपने आप इसका हवा निकल जाए उसको समन कहते हैं। दमन का पता चलता है, समन का पता नहीं चलता है। साधना की यात्रा में मन को शांत करने को समन कहते हैं, और इंद्रियों पंच ज्ञान इंद्रियों को शांत करने की प्रक्रिया को दमन कहते हैं। ये ज्ञान इंद्रिया प्रत्यक्ष है, मन प्रत्यक्ष नहीं है, मन अप्रत्यक्ष है। इसलिए हमारे जीवन में सदगुरु की कृपा हो, भगवत भजन में रुचि बढ़े, जीवन सुगंधित हो, सुभाषित हो और प्रेम प्रगाढ़ होता जाए, यह कृपा प्राप्त करके हम अपने जीवन को आगे की राम भजन यात्रा में प्रवीण करें। आई गोस्वामी जी कहते हुए कथा प्रारंभ करें। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।